तुम्हारे जीवन का जो असली भजन होता है वो तुम्हारे मन की तरंगों के माध्यम से ही होता है। यदि तुमने अपने मन की तरंगों को मार लिया तो फिर आपको माला जपने की भी आवश्यकता नहीं है। ये माला का जप क्यों किया जाता है, ये जो बार बार हम लोग माला लेकर के बैठते हैं, इसका यही कारण है कि हम अपने मन को दिखा सकें और अपने मन को बता सकें कि अरे दुस्तर मन, अरे निष्ठुर मन, शायद तू जानता नहीं कि मैं इस समय माला जप रहा हूँ। और माला जपते समय संसार में इधर से उधर दौड़ नहीं लगाई जाती, क्योंकि माला से आगे पीछे तो चलो काम धंधे में अनेकों प्रकार के व्यापार है, बिजनेस है, करना जरूरी है, अन्यथा गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। और सबसे पहले वैसे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे पहले क्या होता है? धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष। हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ये चार प्रकार का पुरुषार्थ है। सबसे पहले तुम अपने मन को, अपने तन को धर्ममय बनाओ, और धर्ममय बनाने के बाद फिर आप संसार के वित्त का उपार्जन करो, मेहनत करके करो, व्यापार, बिजनेस, काम धंधा, जो भी आप करना चाहते हैं उसके माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन धर्ममय है। धर्म के बाद ही अर्थ की प्राप्ति होती है। क्यों? देखो ऋषि मुनियों की कितनी सुंदर सोच है, यदि पहले अर्थ की प्राप्ति हो जाए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माने बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद फिर कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इन सब चीजों का हमें बोध नहीं रहता, और फिर ज्यादा से ज्यादा उल्टे सूधे काम करते हैं संसार में, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ज्यादा धन दौलत वैभव होने से बहुत बड़े हम अहंकारी हो गए, हम सोचते हैं अब हमारे समान संसार में कोई धनाढ्य है ही नहीं, हमारे समान संसार में कोई भी ऐश्वर्यवान है ही नहीं, अब तो जो कुछ भी हैं वो केवल हम ही हैं, सारी दुनिया केवल हमें ही प्रणाम करे, आओ बाबूजी विराजो, कैसे हो, चाय वाय बनवाऊं, हर जगह हमारा ही स्वागत हो, सत्कार हो, वंदन हो, अभिनंदन हो। तो ऐसी सोच कब उत्पन्न होती है? जब बिना धर्म के अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। यदि धर्ममय वृत्ति होने के बाद तुम्हें अर्थ की प्राप्ति हुई है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धर्म तुम्हारे पास है तो तुम्हारी बुद्धि को कभी बिगड़ने नहीं देगा। इसलिए धर्म के आधार पर ही आप अपने अर्थ का सदुपयोग करो, अपने जीवन में उसका उपयोग करो, क्योंकि अर्थ की, धन की केवल तीन ही गति होती है। ये शरीर की भी तो तीन ही गति होती है। अरे शरीर मर जाएगा तो या तो जला दोगे, या जल प्रवाह कर दोगे, या कहीं जमीन में दफन करके गाड़ दोगे, और संसार में शरीर की कोई चौथी गति तो होती नहीं। होती हो तो आप बताना, फिर कल की कथा में विचार करेंगे। ऐसे ही धन की तीन गति होती है। यदि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है तो आप अपने कमाए हुए, चाहे जैसे भी कमाया, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी ईमानदारी से ही कमाया, जैसे भी कमाया आपने कमाया, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप उसका अपने लिए सदुपयोग करें।
बढ़िया घर बनवाए, घर में सारी सुख सुविधा सारी व्यवस्था रखे, अपने अतिथियों का सुंदर स्वागत सत्कार करे, या और इतना करने के बाद भी आपको लग रहा है कि बहुत पैसा है तो थोड़ा दान धर्म पुण्य का अर्जन करें, ये भी सुंदर सदुपयोग है। और यदि आपने अपने पैसे को अपने लिए यूज नहीं किया, अपने लिए प्रयोग नहीं किया, दान भी नहीं किया, धर्म में भी नहीं लगाया, सत्कार्य में भी नहीं लगाया, तो धन की तीसरी गति क्या है? नाश। पहली गति क्या है? उसका उपभोग, माने स्वयं भोग लो। दूसरी गति क्या है? उसका दान कर दो, कहीं सत्कार्य में लगाओ, कहीं कथा कराओ, कहीं गौ सेवा करो, संत सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, घर में भगवान के दिव्य उत्सव मनाओ। अरे अनेकों प्रकार से उसका सदुपयोग किया जा सकता है। यदि आपने उपभोग भी नहीं किया, सदुपयोग भी नहीं किया, तो फिर मोदी जी आएंगे और रात के 12 बजे अनाउंस कर देंगे, भैया बोले आज से 1000 के और 500 के नोट चलना बंद। तो जो करोड़ों अरबों रुपए 20 साल से या 50 साल से जिन लोगों ने जोड़ के रखा था, उसकी तीसरी गति क्या हुई? नाश, सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, अब सिर पकड़ के बैठे, हे भगवान ये मोदी बहुत बुरा है। वैसे मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया, जिन माताओं से, जिन बहनों से 10 रुपए भी निकालना बड़ा मुश्किल होता था उसके पति के लिए, वो स्वयं 10-10 लाख रुपए लेकर के आई, बोले मेरे पास ये 500 के 10 लाख रुपए हैं, इनको जमा करा लो। तो जमा कराए गए, पति की तो बेचारे की बल्ले बल्ले हो गई। तो मोदी ने कोई बुरा कार्य नहीं किया। तीसरी गति धन की नाश ही है, चोर ले जाएगा, डाका पड़ जाएगा, या बाढ़ इत्यादि आ जाएगी, अग्नि इत्यादि के अंदर जल करके भी भस्म हो सकता है। चौथी कोई गति धन की नहीं है और चौथी कोई गति शरीर की भी नहीं है। तो देखो धन की और शरीर की तीन ही गति होती है, इसलिए धन का भी सदुपयोग करो और अपने इस शरीर का भी सदुपयोग करो। आपका शरीर संसार में शांत हो, उससे पहले राजा परीक्षित की तरह अपने जीवन का जो मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त कर लो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो। प्रेम से बोलो राधे, और तुम्हारे कल्याण का मार्ग तो तभी प्रशस्त होगा जब तुम कहोगी मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। तो देखो जब तुम श्याम सुंदर सरकार के हो जाओगे या हो जाओगी, तो फिर देखो तुम्हारे कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है। बड़ा सुंदर भाव है, आओ रमन का कल्याण केवल तभी संभव है जब तुम अपने हृदय से ऐसा कहो मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। अरे संसार वालों की मत देखो कि संसार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैं नाचूंगी तो ये क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूंगी तो ये क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा केवल आप ही अपने मन में सोच करके बैठी हो कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। अरे तुम कोई चोरी थोड़ी करने जा रही हो, कोई डाका डालने थोड़ी जा रही हो, ये तो भगवान के भजन की सेवा है।
और भगवान के भजन की सेवा अपने शरीर के माध्यम से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे या ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगी, उतना ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर विराजमान है। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान है। 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके कथा सुन रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन में इस श्री मंगल भवन में आप सब लोग आनंद के साथ वही कथा का श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है। देवताओं से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले भाग जाओ, यदि अपना भला चाहते हो तो जल्दी भाग जाओ, नहीं तो फिर जैसा हमने कहा ना कि मूर्ख बनने के लिए कई बार बाबाओं को भी थोड़ी देर के लिए उग्र होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये महाराज बड़ा गुस्सा करते हैं, ये बड़ा क्रोध करते हैं। अरे वो केवल बाहर का क्रोध या गुस्सा होता है केवल दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से बड़ा प्रेम करते हैं। जैसे संसार में कोई माँ, आपने देखा होगा कि कोई माँ अपने पुत्र से, अपनी संतान से कभी हृदय से गुस्सा करती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती करके क्यों ना आया हो, बाहर से उसे डांटेगी, फटकारेगी और जरूरत पड़ने पर एक आध चांटा भी लगाएगी और कह देगी, खबरदार जो कल से वहां गया हाथ पैर तोड़ दूंगी। और कोई ब्रजवासी मैया होगी तो कहेगी, दारी के कान खोल के सुन लियो, आज के बाद तेन मुआ पाम धर दो तो तेरे पामन तोड़ दूंगी। ऐसे बोलेगी, हाथन तोड़ दूंगी, पामन तोड़ दूंगी। और बालक जब ज्यादा परेशान करे का ब्रजवासी मैया है तो, अरे भंगी के, और तू मर जा कहूं कहू, तू आप वो घर में जाए के मर जा, चूल्हे में पजर पजर जा, मर तू नाए धोताए ते मेरो दिमाग खाए राखो। ऐसे बोले। तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि वो ब्रजवासी मैया हृदय से बोल रही है कि वाको बालक का कुआ पोखर में जाए परे, वहां में जाए कि मर जाए। ऐसा कोई माँ चाहती है? ऐसा कोई भी माँ नहीं चाहती, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में बैठी हुई माँ हो, चाहे वो पशुओं में हो, पक्षियों में हो, कीटों में हो, पतंगों में हो, या मानव या दानवों में हो, कोई भी माँ ऐसी नहीं होती। लेकिन बाहर से चूंकि बालक बिगड़ न जाए इसलिए उसे ऊपर वाले कंठ से केवल शब्दों के माध्यम से डांटती है, लेकिन अंदर से जब किसी के बालक के जरा सी कहीं सुई लग जाए, कांटा लग जाए, एक बूंद खून यदि माँ को दिख जाए तो दौड़ करके बालक को उठा लेती है और ऐसे झप्पी पा करके अपने अंक में भर लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, उसके सिर को सहलाती है। और हृदय में बड़ा कष्ट होता है। ये वही माँ है जो अभी 10 मिनट पहले कह रही थी कि काऊ कुआ पोखर में जाकर के मर जा, गिर जा, तेरे पाम तोड़ दूंगी, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। ये वही माँ है। तो माँ कभी बालक पर अंदर से गुस्सा नहीं करती, हृदय से कभी भी नाराज नहीं होती। ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है। श्री सुखदेव जी महाराज संत हैं और केवल संत ही नहीं, परमहंस हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने थोड़ा सा रोष किया देवताओं के कल्याण के लिए, डांट लगाई
बोले अपना भला चाहते हो तो भाग जाओ, यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो डंडा उठा लेंगे, मार बहुत पड़ेगी। देवता लोग घबरा गए, बोले क्योंकि पहले पहले वाले बाबा जी श्राप भी दे देते थे ना, आजकल तो श्राप चलता नहीं, आजकल तो केवल सोटा राम शास्त्री काम करते हैं, केवल जुबान भुवान का कोई श्राप नहीं, क्योंकि ये कली काल है और कली काल में तो कली काल के लिए ही तो ये सोटा राम शास्त्री का निर्माण हुआ है, कली काल में यही श्राप है। तो ये श्राप जब मिलता है तो इसके मारे तो फिर भूत भी कांपते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि श्री सुखदेव जी कहीं नाराज होकर के श्राप न दे दें, तो दौड़ के चले गए और जाकर के इंद्र के सामने अपने झोली डंडा माला वाला आइडेंटिटी कार्ड उतारे और उतार करके पटक दिए। बोले महाराज हम पे ना है रही, तुम्हारी नौकरी जाए धर राखो तुम अपने घर, हमें ना चाहिए तुम्हारी तनख्वाह। बोले भैया का है गो, ऐसी का बात है गई। बोले बात का है गई, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं संसार में, बता दसो। पंजाबी लोग भी कहीं बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, दसो साड़ी तो कोई बैलू ही नहीं संसार, असी किथे जावो, सानू ते महाराज ने कमरा ही नहीं दिता, सानू ते रखिया ही नहीं। तो देवताओं ने कहा महाराज साड़ी कोई बैलू नहीं संसार च, असी नहीं करनी तुहाडी नौकरी, तुसी अपने कोल ही रखो, सानू नहीं चाहिए। तो इंद्र घबराया, बोले ये सबरे देवता भाग गए मेरे जोर ते, तो फिर मैं कहां जाऊंगा अकेला। बड़ी मुश्किल से समझाया मनाया, बोले अरे भैया बात तो बताओ, वरुण देव अग्निदेव हुआ क्या है। बोले हुआ क्या है, आप जानते नहीं वो सुखदेव बाबा मो गंगा जी के किनारे बैठ कर के कथा कर रहे, तो हमने सोचा कि हम भी कथा सुनाए, भगवान की कथा है। तो महाराज हम भी वहां कथा सुनने के लिए गए, लेकिन वो बाबा जी तो बड़े गुस्से वाले, उन्होंने तो हमें डांट करके फटकार करके भगा दिया। असली बात तो देवताओं ने बताई नहीं, असली बात तो ये थी कि देवता ये चाहते थे कि केवल हम ही कथा सुनेंगे, बस संसार का और कोई नर नारी वहां बैठेगा नहीं, कथा का जो पुण्य लाभ होगा वो केवल हम ही लेंगे। संसार में तो ऐसे ही होता है ना, सारी दुनिया का सुख, सारी दुनिया की संपदा, सारी दुनिया का ऐश्वर्य केवल मुझे ही मिल जाए, हम लोगों की भी तो ऐसी भावना होती है। तो देवताओं ने भी सोचा कि भगवान की कथा का जो फल है वो सारा फल हमें ही मिल जाए। तो गलती तो देवताओं की भी नहीं, यही गलती हम करते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी चीज हो, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, या कैसी भी हो, मिल बांट करके ही खाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। अरे तुम जो भी खा रहे हो, जो भी पहन रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, बैठे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, मेरा जरा सा चिंतन करते हुए उस कर्म को आप मेरे अर्पण कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप उस वस्तु पदार्थ के दोष से रहित हो गए। देखो आपको सही बात बताऊं, ये श्रीधाम वृंदावन की ये जो कथा है ना, होली के परम पावन अवसर पर, ये आप सबको ज्यादा से ज्यादा आनंद प्रदान करने के लिए हमने चार पांच आप जैसे ही सज्जनों के सहयोग से रखी है, जिनमें से कई तीन दिन तक
दो दिन तक रहे, कुछ लोग चले गए, कुछ आज और नए आ गए। तो आज भी हमारे कथा के यजमान मध्य में ही बैठे हैं। तो हमने ये जो कथा का आयोजन किया है, ये आनंद लेने के लिए किया है। और इस कथा में श्री रमण रेती धाम से श्री सद्गुरुदेव भगवान का भी आगमन होगा, ये भी हम 100% आपको लिख करके दे रहे हैं। इसलिए आपका भी जीवन सार्थक होगा और हमारा भी जीवन सार्थक होगा। प्रेम से बोलो राधे। कथा के प्रसंगों को तो हम लोग हर जगह श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन में ज्यादा ज्ञान ध्यान नहीं चलता है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य जब अपना ज्यादा ज्ञान और वैराग्य छांटने लगे तो वृंदावन की महिमा के कारण चित्त जाए परे, और ऐसे चित्त जाए परे कि फिर उनको उठाना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। नारद जी ने बहुत प्रयास किया और उठे भी तभी जब उन्हें प्रेम का भक्ति का रस मिला श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन होगा, श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा हो अभी से आप कल्पना करो, श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा हो, आप सब लोग बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हो और यहां चारों तरफ आनंद की लहर हो, तो हम लोग अपने मन से फिर क्या कहेंगे। वैसे तो संसार वाले कहते हैं कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो महबूब नहीं, बहारो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। बड़ा सुंदर भाव है।